मधेपुरा जिले के बिहारीगंज थाना क्षेत्र स्थित मुख्य बाजार में बीते 23 जून को दिन दहाड़े आज़ाद नामक पिकअप वैन चालक की गोली मारकर हत्या हो गई थी। करीब 12 दिन के बाद मधेपुरा की उदाकिशनगंज पुलिस ने इस हत्याकांड का बड़ा खुलासा किया है। बताया जाता है कि महिला से अवैध संबंध को लेकर आज़ाद नाम के व्यक्ति की खुद महिला के पति पप्पू मंडल समेत 3 लोगों ने मिलकर आज़ाद की गोली मारकर दिन दहाड़े हत्या कर दी थी। हत्या के बाद स्थानीय लोगों ने मुख्य बाजार बंद कर सड़क पर शव रखकर कई घंटों तक आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस प्रशासन के विरुद्ध हो हंगामा किया था। आखिरकार घटना के 12 दिन बाद पुलिस के हत्थे चढ़ गया मुख्य आरोपी पप्पू मंडल। बता दें कि हत्या के आरोपी पप्पू मंडल की पत्नी से मृतक को अवैध संबंध था, जो आरोपी पप्पू मंडल को नागवार लग रहा था। इसी आक्रोश में पप्पू मंडल ने आज़ाद की हत्या कर दी थी। वहीं इस मामले को लेकर उदाकिशनगंज SDPO सतीश कुमार ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि इस हत्याकांड में आरोपी पप्पू मंडल समेत 3 लोगों पर बिहारीगंज थाने में मामला दर्ज कर दी गई थी। हत्या के बाद SP राजेश कुमार के निर्देशन में एक स्पेशल टीम भी गठित की गई थी। टीम में शामिल बिहारीगंज, ग्वालपारा और उदाकिशनगंज पुलिस के नेतृत्व में लगातार छापेमारी चल रही थी। बिहारीगंज थाना में 23 तारीख को पिछले महीने लगभग दिन के 9:40 पे मेन बाजार में ही आज़ाद नाम की एक व्यक्ति की गोली मार के हत्या कर दी गई। हत्या के बाद काफ़ी विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हुई, लेकिन उस घटना से संबंधित कांड दर्ज किया गया और पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक टीम का गठन किया गया। उस केस में 2 व्यक्ति के ऊपर नेम्ड केस हुआ था और एक अज्ञात व्यक्ति था, और जो टीम का गठन किया गया था टीम के द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही थी, जिसमें से पप्पू मंडल है मेन, उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है और पूरे घटना का पर्दाफाश हुआ है। उसमें ये जानकारी मिली है कि पप्पू मंडल की पत्नी को, जो मृतक आज़ाद है, उसका भाई उसकी पत्नी को 2 बार लेके भाग गया था और कुछ पैसा भी उसकी पत्नी के माध्यम से, उसके घर से जब पत्नी भागी थी तो कुछ पैसा भी ले गए थे। इन्हीं सब कारणों से दोनों के बीच में विवाद हो गया था और इसी विवाद के कारण दिनांक 23 की ये घटना है हत्या की, तो 22 को जो उसका भाई है, आज़ाद का भाई, वो कहीं चला जाता है। उस समय नोएडा चला गया था, लेकिन उसके परिवार वाले को जानकारी नहीं थी, तो उन लोगों के द्वारा एक केस बिहारीगंज थाना में FIR करने के लिए आवेदन दिया गया। आखिरकार 12 दिन बाद कल मुख्य आरोपी पप्पू मंडल को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि अन्य 2 आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस अभी छापेमारी कर रही है। बहुत जल्द अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। खुलासा के लिए मधेपुरा से रमन कुमार की यह रिपोर्ट।